So this is the male reproductive system of cockroach. Okay. डायग्राम एज वेल एज जो भी नोट्स चाहिए वो दे दिया है. डायग्राम मैंने सिर्फ एक साइड का बनाया है, ठीक है. ये जो किडनी मैंने बनाया है, द एग्जैक्ट किडनी, ये तो किडनी है ना, जो ये स्ट्रक्चर जो है, ये स्ट्रक्चर क्या है, दिस इज द किडनी, ठीक है ना. तो ये किडनी एक इस साइड में, एक इस साइड में भी होगा. इस साइड का जो किडनी है वो मैंने ड्रॉ नहीं किया है, ठीक है. तुम लोग अगर चाहो तो कर सकते हो, बस एग्जैक्टली ऐसे बनाना है. ओके, सो दिस इज द किडनी. फैट बॉडीज ऊपर प्रेजेंट है. किडनी के एंटीरियर पोर्शन में अटैच्ड है क्या? टेस्टिस. ओके, द टेस्टिस इज अटैच्ड एट द एंटीरियर पार्ट ऑफ द किडनी. टेस्टिस से निकलता है वासा इफारेंशिया, जिसका काम है टेस्टिस से स्पर्म का कलेक्शन करना. वासा इफारेंशिया आके ये जो कैनल मैंने यहां पे ड्रॉ किया, ये किडनी के अंदर प्रेजेंट है. डोंट कंफ्यूज दिस कैनल विद द एड्रिनल ग्लैंड दैट आई हैव ड्रॉन इन द एक्सक्रीटरी सिस्टम. एड्रिनल ग्लैंड किडनी के बाहर प्रेजेंट है, ठीक है ना. मैंने बोला ये किडनी है, किडनी अगर ये मेरा हाथ किडनी है तो दिस इज द एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है. तो ये किडनी के बाहर है. ये जो कैनल मैंने ड्रॉ किया है ब्लू में, ये किडनी के अंदर प्रेजेंट है. तो बेसिकली वासा इफारेंशिया टेस्टिस से स्पर्म कलेक्ट करके किडनी के अंदर घुस जाता है, और अंदर एक कैनल प्रेजेंट है जिसका नाम है बीडर्स कैनल. उस बीडर्स कैनल में छोड़ता है क्या? स्पर्म. बीडर्स कैनल इज कनेक्टेड विद यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट. तो बीडर्स कैनल यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट माने यूरेटर, उसमें दे देगा क्या? स्पर्म. तो यूरेटर ऑफ मेल कैरीज बोथ द स्पर्म एज वेल एज यूरिन. हम लोगों ने पढ़ा है किडनी से यूरिन एंड मतलब किडनी के अंदर से यूरिन एंड बीडर्स कैनल से स्पर्म. बीडर्स कैनल भी किडनी के अंदर प्रेजेंट है, समझ में आ रहा है ना. किडनी के अंदर से यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट दोनों चीज कलेक्ट कर सकता है, स्पर्म एज वेल एज यूरिन. लाके क्लोका में छोड़ेगा, क्लोकल एपर्चर आउट, स्पर्म बाहर चला जाएगा, ठीक है. तो मेल में कोई पेनिस के जैसा स्ट्रक्चर नहीं है जिसके थ्रू स्पर्म बाहर जाता है. मेल लैक्स कोपुलेटरी ऑर्गेन, ठीक है ना. तो मेल लैक्स कोपुलेटरी ऑर्गेन, ये मैं यहां पे लिख देता हूं, मेल लैक्स कोपुलेटरी ऑर्गेन, दैट मींस पेनिस नहीं प्रेजेंट है, पेनिस इज एब्सेंट. समझ में आया? तो यहाँ पे जो भी समझाया है उस चीज को यहाँ पे लिखा है. देखो, टेस्टिस इज एन इलोंगेटेड लाइट येलो कलर्ड बॉडी अटैच टू द अपर पार्ट ऑफ द किडनी वाया अ डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम कॉल्ड मेसोकियम. तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए दैट हाउ दिस टेस्टिस इज अटैच विद द किडनी और एट द एंटीरियर पार्ट ऑफ द किडनी, कैसे अटैच है? इट इज अटैच बाय अ फोल्ड ऑफ स्किन विच इज कॉल्ड एज मेसोकियम, ठीक है ना. मेसोकियम इज द वन विच विल हेल्प इन द कनेक्टिंग और इन द कनेक्शन ऑफ टेस्टिस विद द किडनी, ठीक है. चिपका के कैसे टेस्टिस इज प्रेजेंट अटैच विद द हेल्प ऑफ मेसोकियम. ओके, एंड देयर आर डबल फोल्ड व्हिच हेल्प्स इन दिस अटैचमेंट. देखो, ये जो हम लोग पेरिटोनियम बोल रहे हैं, ये पेरिटोनियम ना बेसिकली एक ट्रांसपेरेंट ट्रांसल्यूसेंट मेम्ब्रेन है जो हर ऑर्गेन के ऊपर होता है, ठीक है. सपोज ये किडनी है तो ये जो किडनी है, किडनी के ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग के अकॉर्डिंगली एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट है. ये जो मैंने रेड में ड्रॉ किया, दिस इज पेरिटोनियल मेम्ब्रेन पीएम. इस किडनी के ऊपर एक और ऑर्गेन अटैच है, ये क्या ऑर्गेन हो गया? ये मान लेते हैं टेस्टिस है, ठीक है ना. सॉरी, गलत कलर में ड्रॉ कर लिया है, ठीक है. तो ये है के माने किडनी और ये है टी माने टेस्टिस. जो टेस्टिस है उस टेस्टिस के ऊपर में भी एक ट्रांसपेरेंट ट्रांसल्यूसेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहेगा, ये भी है पेरिटोनियल मेम्ब्रेन. अब अगर इस टेस्टिस को इस किडनी के एंटीरियर पार्ट में अटैच होना है तो कैसे अटैच होगा? ये जो टेस्टिस का पेरिटोनियल मेम्ब्रेन है, ट्रांसपेरेंट ट्रांसल्यूसेंट मेम्ब्रेन, और ये जो किडनी का पेरिटोनियल मेम्ब्रेन है, इन दोनों के बीच में होगा फ्यूजन. दैट मींस द पेरिटोनियल मेम्ब्रेन ऑफ किडनी विल गेट फ्यूज्ड विद द पेरिटोनियल मेम्ब्रेन ऑफ टेस्टिस. फ्यूज हो जाने से जो स्ट्रक्चर बनेगा वो स्ट्रक्चर क्या करेगा? टेस्टिस को किडनी में चिपका देगा, अटैच कर देगा. एंड दैट स्ट्रक्चर we can call that structure what? Double fold of peritoneum, because kidney का peritoneum and testis का peritoneal membrane मिल के form किया है, तो double fold of peritoneum called as mesocheum. हर organ के ऊपर there will be a peritoneal membrane present, हर organ के ऊपर, and this peritoneal membrane is a transparent translucent membrane, ठीक है. और अगर दो organ को attach होना है तो दोनों organ का peritoneal membrane fuse हो जाएगा. उस fusion को हम लोग double fold of peritoneal membrane बुलाते हैं, which is called as ठीक है, इन केस ऑफ टेस्टिस, ठीक है, या मेसेंट्री भी बुला सकते हैं, ठीक है, डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम इज ऑल्सो कॉल्ड एज मेसेंट्री, MESENTRY, ओके.
इनसाइड द टेस्टिस सेमिनिफेरस टिब्यूल्स आर प्रेजेंट विच प्रोड्यूसेस स्पर्म। तो टेस्टिस के अंदर कुछ सेमिनिफेरस टिब्यूल सिलिंड्रिकल टिब्यूल्स प्रेजेंट है जिस जो स्पर्म का प्रोडक्शन करता है। ठीक है, सेमिनिफेरस टिब्यूल स्पर्म को प्रोड्यूस करके दे देगा किसको? वसा इफेरेंशिया को। वसा इफेरेंशिया कितना होता है? 10 टू 12 इन नंबर्स। कलेक्ट द स्पर्म एंड एंटर्स द किडनी। किडनी के अंदर घुस जाएगा टू ओपन इनटू द बीडर्स कैनल जो किडनी के अंदर प्रेजेंट है। देन कैरीड फाइनली टू द यूरेटर। बीडर्स कैनल से यूरेटर, यूरेटर क्लोका। तो हमेशा जब फ्रॉग के मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से क्वेश्चन आता है तो फ्लो ऑफ स्पर्म से क्वेश्चन आता है। तो फ्लो ऑफ स्पर्म तुम लोग कैसे करोगे? सेमिनिफेरस टिब्यूल पास टू वसा इफेरेंशिया, पास टू बीडर्स कैनल, पास टू यूरेटर, पास टू क्लोका आउट, क्लोकल एपर्चर। तो ये एक पैटर्न के ऊपर क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है फ्रॉम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो दिस इज योर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यहाँ पे एक और किडनी, एग्जैक्ट स्ट्रक्चर यहाँ पे, उसका भी ओपनिंग क्लोका में होगा। इस तरफ का जो किडनी है उसका टेस्टिस वो मैंने ड्रॉ नहीं किया है। ठीक है, सो दिस इज योर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नाउ वी विल मूव टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। सो यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी क्या मिलेगा? किडनी है, ठीक है, दिस इज किडनी, के लिख देता हूं। ठीक है, किडनी के साथ ओवरी इसमें चिपका हुआ जरूर है लेकिन कोई इंटरनल कनेक्शन नहीं है, जैसे हम लोग को मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखने को मिला। इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वी सो द टेस्टिस वाया वसा इफेरेंशिया वाज एंटरिंग इनसाइड द किडनी एंड वाज ओपनिंग इनटू द बीडर्स कैनल। सो इट हैड सम इंटरनल कनेक्शन विद द किडनी। आई एम टॉकिंग अबाउट टेस्टिस। इन केस ऑफ ओवरी वी विल सी दैट द ओवरी इज अटैच्ड विद द किडनी। ओवरी इज अटैच्ड विद द किडनी वाया दैट डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम। ओके, बट देयर इज नो इंटरनल कनेक्शन ऑफ द ओवरी विद द किडनी। ओके, सो दिस इज द ओवरी व्हिच इज कनेक्टेड टू किडनी एट द एंटीरियर पार्ट ओनली बट वाया मेसेंट्री वाया डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम व्हिच आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू। एक नोट भी मैं दूंगा उसका। ओके, दिस ओवरी आर इरेगुलर इन शेप। दे आर नॉट ओवल, दे आर नॉट रेक्टेंगुलर स्क्वायर एंड दे आर इरेगुलर इन शेप। ओके, एंड इनसाइड ऑफ देम द ब्लैक डॉट्स दैट यू कैन सी आर द ओवा, आर द एग्स दैट दिस ओवरी प्रोड्यूसेस। ओके, नाउ व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ ओव्यूलेशन? एज यू कैन सी ओविडक्ट हैज नो डायरेक्ट कनेक्शन विद द ओवरी, है ना? ओवरी के नीचे होना चाहिए था, ओवरी के पास होना चाहिए था, कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, ये जो फ्रॉग है फीमेल, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग अपना एग्स को यहाँ शेड करेगा, यहाँ ये जो जगह है, ये सब जो खाली जगह है, ये खाली जगह क्या है? बॉडी कैविटी है, सिलोम है। ठीक है, बॉडी कैविटी जहाँ पे ये सब ऑर्गन्स प्रेजेंट है। सो व्हाट दे डू, दिस ओवरी विल शेड देयर एग्स, will shed their eggs in the body cavity. ठीक है, ये जो region है, ये region है body cavity. So body cavity में she will ovulation करेगा, eggs को body cavity में डालेगा, फिर body cavity से ये egg आके घुसेगा किधर, इसमें oviduct में, and then this eggs will flow through this oviduct and it will come and it will get stored in ovisac. ठीक है, ovisac जो है ये क्या करता है, stores eggs. ठीक, फिर अभी फर्टिलाइजेशन के साथ इसको जोड़ना पड़ेगा। फिर क्या होगा, जब मेल क्रॉकिंग करेगा, फीमेल विल कम नियर बाय द मेल, बोथ मेल एंड फीमेल विल गो टू द वाटर, फीमेल के ऊपर मेल उठ जाएगा, नॉट फॉर हैविंग सेक्स बिकॉज आई ऑलरेडी टोल्ड यू मेल के पास देयर इज नो पेनिस प्रेजेंट। ओके, दिस पोजिशन इज कॉल्ड एज एम्प्लेक्सस। वी टॉक्ड अबाउट द इंडेक्स फिंगर, फर्स्ट इंडेक्स फिंगर ऑफ द मेल व्हिच फॉर्म्स कोपुलेटरी पैड, जिसके मदद से वो फीमेल को ग्रिप करेगा। ये फीमेल, ये उसके ऊपर मेल। ठीक है, मेल छोटा होता है, फीमेल बड़ा होता है, तो फीमेल के ऊपर मेल उठ सकता है पीछे। ये पोजीशन जब होगा, दिस पोजीशन गिव स्टिमुलेशन इन द बॉडी ऑफ द फीमेल एज वेल एज इन द बॉडी ऑफ द मेल। तब फीमेल क्या करेगा, ये ओविसेक से अपना स्टो एग्स जो है उसको कहां डालेगा, क्लोका, क्लोका से वो एग्स बाहर चला जाएगा कहां, पानी में। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम द मेल विल ऑल्सो फील द स्टिमुलेशन, द मेल विल रिलीज स्पर्म फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, कहां, वसा इफेरेंशिया, कहां, बीडर्स कैनल, कहां, यूरिनोजेनाइटल ट्रैक माने यूरेटर, फीमेल में देखो यूरेटर ही लिखा है, मेल में यूरिनोजेनाइटल लिखते हैं, उसके थ्रू क्लोका, क्लोका से बाहर। तो मेल विल रिलीज स्पर्म थ्रू हिज क्लोका, फीमेल विल रिलीज एग थ्रू हर क्लोका, बोथ द स्पर्म एंड ओवा विल मीट आउटसाइड इन द वाटर, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन विल टेक प्लेस। ओके, सो दिस इज योर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्लोका में देखो क्या क्या खुल रहा है, फीमेल का ओविसेक खुल रहा है,
ये यूरेटर खुल रहा है, सेम इसका यूरेटर, ठीक है। इसमें जैसे बनाया मेल में मैंने एक साइड का बनाया, दूसरा साइड का नहीं बनाया, इसमें दोनों बना दिया, तो मेल वाला तुम लोग दूसरा साइड का भी बना लेना। ओविडा खुल रहा है, रेक्टम, एनस खुल रहा है, यूरिनरी ब्लडर, क्लोका, क्लोकल एपर्चर, दिस इज योर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब थोड़ा नोट दे देगा, ठीक है, इसका ड्रॉइंग अच्छे से कर लेना। तो यहाँ पे थोड़ा सा नोट दे दिया है, जो डिस्कस किया है वही यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। सो फिर से नहीं करेगा डिस्कशन, क्योंकि ऑलरेडी एक बार कर चुके हैं, गर्मों लगे ऐसे बहुत जी हो, ये तुम लोग लिख लेना वो एक्सप्लेनेशन के नीचे। द नेक्स्ट थिंग इज दैट, वो जो मेसेंट्री के बारे में जो हम लोगों ने बात किया, ये थोड़ा सा ध्यान से समझना, क्योंकि ये आता रहता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये एक ऑर्गेन है, पहले मैं सिर्फ ऑर्गेन बोलूं, और ये दूसरा ऑर्गेन है, तो दोनों ऑर्गेन के ऊपर देयर विल बी अ ट्रांसपेरेंट ट्रांसल्यूसेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट। सो इस ऑर्गेन के ऊपर ये हो गया ट्रांसपेरेंट ट्रांसल्यूसेंट मेम्ब्रेन, इसके ऊपर ये हो गया, सो दिस इज कॉल्ड एज पेरिटोनियल मेम्ब्रेन, दिस इज कॉल्ड एज पेरिटोनियल मेम्ब्रेन। नाउ इफ दिस टू ऑर्गेन्स नीड्स टू गेट अटैच, जस्ट लाइक वी हैव सीन दैट इन केस ऑफ फ्रॉग, टेस्टिस इज अटैच विद द किडनी, फीमेल में ओवरी इज अटैच विद द किडनी, इफ टू ऑर्गेन्स नीड्स टू अटैच विद वन अनदर, क्या होगा, ऐसा हो जाएगा, ये एक ऑर्गेन, ठीक है, इस ऑर्गेन का ये पेरिटोनियल मेम्ब्रेन, ये दूसरे ऑर्गेन का पेरिटोनियल मेम्ब्रेन, एंड उसके अंदर का ये है एक ऑर्गेन। तो इस ऑर्गेन का पेरिटोनियल मेम्ब्रेन एंड इस ऑर्गेन का पेरिटोनियल मेम्ब्रेन के बीच में क्या हुआ, फ्यूजन हुआ। दिस फ्यूजन गिव्स, इस फ्यूजन को हम लोग बुलाते हैं क्या, डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियल मेम्ब्रेन, एंड दिस डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियल मेम्ब्रेन, इरेस्पेक्टिव कि क्या क्या ऑर्गेन को इसने अटैच किया, इरेस्पेक्टिव ऑफ द ऑर्गेन, द डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियल मेम्ब्रेन आर कॉल्ड एज मेसेंट्री, बट मेसेंट्री हैज गॉट सम स्पेशल नेम इफ इट इज प्रेजेंट इन द अटैचमेंट ऑफ टेस्टिस। अगर हम लोग ऐसे बोले मेसेंट्री ऑफ टेस्टिस, अगर टेस्टिस के अटैचमेंट में कोई मेसेंट्री है तो उसको हम लोग क्या बुलाते हैं, उसको हम लोग बुलाते हैं मेसोरकियम, एंड इफ मेसेंट्री इज प्रेजेंट इन द अटैचमेंट ऑफ ओवेरी देन उसको हम लोग क्या बुलाते हैं, मेसोवेरियम। बाकी सब पकड़ लो, ये ऑर्गेन जो है ये बोले स्टोमक है, और ये ऑर्गेन बोले कुछ दूसरा ऑर्गेन कंसीडर कर लो, जैसे कि पेनक्रियस, लेट्स कंसीडर पेनक्रियस, ये ऑर्गेन स्टोमक, ये ऑर्गेन पेनक्रियस, और स्टोमक एंड पेनक्रियस एक दूसरे के साथ जुड़ा है बाय डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियल मेम्ब्रेन मेसेंट्री, उसको मेसेंट्री ही बुलाएंगे। लेकिन आज अगर ये है स्टोमक, मान लेते हैं ये है स्टोमक और ये बोले है टेस्टिस, और स्टोमक और टेस्टिस के बीच में जुड़ा, टेस्टिस जहां पे भी इन्वॉल्व होगा वहां पे मेसेंट्री तो है ही वो, लेकिन उस मेसेंट्री को एक स्पेशल नाम से बुलाएंगे, एंड दैट नेम इज मेसोरकियम। अगर आज ओवेरी अटैच्ड है किसी ऑर्गेन के साथ वाया मेसेंट्री, उस मेसेंट्री को भी खाली मेसेंट्री नहीं बुलाएंगे, उसको भी एक नाम से बुलाएंगे, क्या बुलाएंगे, मेसोवेरियम, ठीक है। सो कोई भी दो ऑर्गेन अटैच हो रहा है वाया पेरिटोनियल मेम्ब्रेन, पेरिटोनियल मेम्ब्रेन इज अ ट्रांसपेरेंट ट्रांसल्यूसेंट मेम्ब्रेन, दैट फोल्ड दैट फ्यूजन विल बी कॉल्ड एज मेसेंट्री, बट मेसेंट्री इन केस ऑफ अटैचिंग टेस्टिस विल बी कॉल्ड एज मेसोरकियम, mesentery in case of attaching ovary will be called as mesoverium, for other organs it will be called as mesentery only, ठीक है। so ये है frog, और यहाँ पे frog खत्म होता है, so watch the videos, if you have any doubt you can ask me, I hope you understand everything, bye bye।